छठ के पूजा के आसपास या दशहरे के आसपास अच्छी बारिश होगी, तो अगर आप बीज बुआई किए हैं तो अंकुरित नहीं हुआ है तो बीज सड़ जाएगा, फसल अंकुरित हो भी चुका है तो पीला होके खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो हमें इसको सुनिश्चित करना है, इसमें अधिक फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। कंपोस्ट भी हम लोग जहाँ सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं किसान भाइयों, मटर के केस में हम लोग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर ही कंपोस्ट देंगे तो चलेगा। साथ ही साथ जो NPK जो फर्टिलाइजर देते हैं, 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटास। देखिए दूसरे फसलों में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन अधिक देते हैं, लेकिन इसके केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मटर के केस में फॉस्फोरस अधिक दे रहे हैं, चूँकि ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल में फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप DAP ना देके इसको SSP के रूप में देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में अगर हम फॉस्फोरस को देते हैं, एक बड़ा एडवांटेज होगा कि सल्फर मिल जाएगा, क्योंकि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसमें प्रति 16% इसमें फॉस्फेट होता है और 12% इसमें सल्फर होता है, और ये दलहनी तेलहनी फसल है, चूँकि दलहनी फसल है, तेलहनी और दलहनी दोनों में ये सल्फर का बड़ा रोल होता है, तो आप अगर सल्फर भी इसमें मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो आगात का मतलब ये सारी बातें हुई, बीज जब खरीदेंगे तो मटर के लिए राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर से किसान भाई उपचारित करना बहुत आसान है, आप एक पैकेट ले आएंगे राइजोबियम का, 1 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम गुड़ को डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से पानी को बॉयल कर देंगे, खौला देंगे, जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसमें 1 पैकेट से 2 पैकेट जो है, 1 पैकेट भी आप राइजोबियम को डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और जो 1 एकड़ का बीज आपका है उसमें आप इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे बीज में, इसको जो गुड़ का जो सोल्यूशन राइजोबियम कल्चर का हुआ, एक चीज़ ध्यान देंगे, गुड़ को खौलाने के बाद ठंडा होने पर ही आप राइजोबियम कल्चर को मिलाएंगे, गर्म में डालेंगे तो ये जो जीवाणु है राइजोबियम के वो मर जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे बीज उपचारित करते समय। फिर जब ये बीज उपचारित हो गए तो छाए में इसको सुखाएंगे और फिर तुरंत उसी दिन अपने खेतों में बुआई कर देंगे। ध्यान रहे कि 12 घंटे के अंदर बुआई कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। बुआई करने के पश्चात आपको हल्की सिंचाई करनी होगी, जल निकासी की व्यवस्था होगा, जो कि आगात फसल है, इस बातों को आपको ध्यान देना होगा, तब आप इसकी अच्छी खेती कर पाएंगे। एक चीज़ और हम बताते चले हैं अपने किसान भाइयों को, जब आगात खेती आप करते हैं तो जल जमा होता है तब भी पीले होके बर्बाद होते हैं। कभी कभी आगात फसल में क्या होता है कि फसल बीच बीच में जहाँ तहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे मटर के पौधे पीले होके सूखने लगते हैं, लोगों को लगता है अरे नमी भी है, नाइट्रोजन की कमी से ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर पीले पौधे होके सूखते हैं नाइट्रोजन की कमी से, ये तो हम लोग को यूरिया देने की ज़रूरत होती है। मटर ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, जब हम खेतों में जाकर देखते हैं तो ठीक जड़ से मिट्टी से थोड़ा ही 2-4 इंच ऊपर आप देखेंगे, 1.5-2 इंच ऊपर, तो एक स्टेम उसका तना है फूला हुआ दिखेगा, जब उसे आप फाड़ के देखेंगे तो अंदर एक छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे, इसको हम लोग स्टेम फ्लाई कहते हैं। तो किसान भाइयों अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको दानेदार दवा जो आती है, जो रिजेंट नाम से आती है, उसका 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना होगा और हल्की सिंचाई कर देनी होगी, यही एकमात्र उपाय है, यही सबसे बड़ी समस्या है। आगात मटर में सबसे बड़ी समस्या या तो अधिक बारिश की वजह से नुकसान होगा या फिर ये स्टेम फ्लाई का समस्या आएगा, इस दो बातों पे आप केयर कर लिए और प्रभेद का सही चयन कर लिए तो आप सफलतापूर्वक आगात मटर की खेती करेंगे और एक अच्छे मूल्य से मटर को बाजार में बेच पाएंगे।